Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel, NG Style. मैं हूं मन्नत आपकी दोस्त आपकी होस्ट जी हाँ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू व्लॉग वलीमे का व्लॉग है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है बरी का और बरात का व्लॉग शेयर किया है ऐसे ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिसेप्शन का व्लॉग मैं गाइज इस वीडियो में मेकअप लुक जो है वो इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं मेकअप लुक जो है बरात का और वलीमे का मेकअप लुक जो मैंने किया था वो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी अपने चैनल पे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं मेकअप लुक जब भी अपलोड करूंगी आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं आज है रिसेप्शन सो तो आज रिसेप्शन का ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सो लेट गेट स्टार्टेड प्राइज ये है आज का मेरा आउटफिट जो कि आज मैं पहनने वाली हूँ ये ड्रेस इस टाइप में है तो आपको मैं पूरा ड्रेस दिखा देती हूँ ये नीचे को लहंगा है एंड ऊपर को ये इसका लॉन्ग कुर्ता है जो कि फ्रंट से जो है शॉर्ट है एंड बैक से ये लॉन्ग है सो तो आपको इसको क्लोज से दिखाती हूँ तो यहाँ पे इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी करी हुई है सॉरी एम्ब्रॉयडरी नहीं है इस पर काम करा हुआ है जो कि ये जरदोजी का काम है एंड इस पे जरकन का काम करा हुआ है ये काफी ज्यादा है, हैवी ड्रेस है इस ड्रेस को मैंने जो है दिल्ली से परचेज किया था दिल्ली गई थी मैं शॉपिंग पर तो वहां से मैंने इसको परचेज किया था एंड इसका फ्रंट देख सकते हैं इसके दामन पर भी इस टाइप से बॉर्डर बनाया गया है ये साइड से इस टाइप में जो है आ, यू शेप में आता है बैक साइड से और ये बैक साइड का हिस्सा है मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ इस तरीके से ये बैक से आता है सो so, ये ओवरऑल लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है आपको पूरा मैं लुक दिखाऊंगी किस तरीके से ये पहनने के बाद ये ड्रेस व्यू बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है एंड साथ में इसके ये दुपट्टा है जिस पर फोर साइड जो है ये इस टाइप से लेस लगी हुई है सिंपल दुपट्टा है और ये हैवी ड्रेस के साथ ये लहंगा मिलता है सो so, लहंगा भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये इस टाइप से लहंगा है काफ़ी ज़्यादा घेर भी है और इसके अंदर जो है इस लहंगे में आपको ये अलग से ये फ्रेम मिल जाती है ताकि ये थोड़ा फ्लपी लगे सो गैायज यहाँ पर से स्टार्ट होता है प्लाजा हॉल की डेकोरेशन इस टाइप से डेकोरेशन की गई थी रिसेप्शन की तो डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी स्टार्टिंग में मैं शूट नहीं कर पाई थी ये मैंने लास्ट वीक शूट किया है क्योंकि जो है भीड़ बहुत ज़्यादा थी मेहमान थे इसलिए मैं सामने शूट नहीं कर पाई लास्ट में मैंने इसको वीडियो को शूट कर लिया था एंड अब आ जाती है मेरी और मेरे हस्बैंड की बारी तो यहाँ पर ये जो है हम दोनों का फ़ोटो शूट चल रहा था तो यहाँ पर मैंने वीडियो भी अब जो है साथ साथ बना ली थी मेरे साथ एक गलती ये हुई थी कि मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी जिससे मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ कहीं कहीं पर जहाँ पर मुझसे लगा मेरे रिलेटिव जो भी हैं सब उनके है मोबाइल से मैंने वीडियो शूट की है तो गाइज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ओवरऑल लुक पूरा आया है मेरा आप गेटअप देख सकते हैं ये ड्रेस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी इस ड्रेस का गेटअप आप देख सकते हैं इस टाइप से ये लुक आया है फ्रंट से छोटा है और बैक से इसका जो कुर्ता है वो लंबा है तो आप देख सकते हैं ये है मेरे बहनों बहन बहनोई साथ में पीछे बैक साइड पे हैं जो ये के जा रहे हैं इसमें एंड उस ये इनके भाई हैं जो पास में बैठे हैं मेरी देवरानी के और मेरी देवरानी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो पर्पल कलर के ड्रेस में है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और फरा इनका नाम है वैसे इनको पिंकी बोलते हैं जैसे कि मैंने आपको बरी में भी बताया था और ये इनके हस्बैंड हैं जो मेरे पास में बैठे हुए हैं एंड ये हमाद हैं जो कि मेरा पूरे रिसेप्शन में कहीं पर भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा है साथ साथ में मेरे रहे हैं बिल्कुल भी कोई फंक्शन इन्जॉय नहीं करने देते हैं ना खुद इंजॉय करते हैं लेकिन साथ साथ रहते हैं और ये बाहर है मेरी छोटी बहन जो कि मुझसे छोटी है ये रिसेप्शन पे आई थी शादी या बड़ी में किसी फंक्शन में नहीं आ पाई थी इनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए ये आ नहीं पाई थी लेकिन रिसेप्शन में इन्होंने रिसेप्शन को अटेंड किया है और आई हैं इन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये आई हैं और आप देख सकते हैं कि इस टाइप से पूरा हॉल फुल था सारे मेहमान आ गए थे और स्टार्टिंग में सब कुछ चल रहा था सब कुछ लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा मोबाइल ले जाने का तो सबसे बोल दिया कि मोबाइल वगैरह वीडियो शूट कर लो थोड़ी बहुत और मुझे सब लोग सेंड कर देना ताकि मैं रिसेप्शन का व्लॉग डाल सकूं, सो so, यहाँ पर अपी बैठी है मेरी नेहा पे ये मुझसे बड़ी हैं और और ये जो मेरी देवरानी है बीच में और यहाँ पर ये आ गई हैं मेरी अम्मी और ये पड़ोस में येलो सूट में जो है वो मेरी वो मेरी नंद है ममिया नंद है मेरी मतलब मामू की लड़की है मेरी मम्मी ससुर की लड़की ज़िया और ये पड़ोस में मेरी गाँव बैठी है वो मेरी सगी नंद है और यह है मेरी बाहर मेरी छोटी बहन सो आपको मैं पास से इनका क्लोजअप दिखा रही हूँ क्योंकि ये वहाँ पर थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा था तो ये भाभी ब्लैक कलर के ड्रेस में है और यप्पी हैं बड़ी वाली तो हम लोग ने सबका साथ साथ में वीडियो रिकॉर्ड करते रहे तो सबके मोबाइलों से मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि सबके मोबाइल से, से मैंने वीडियो शूट की है सो अब यहाँ पर सबको हंसी आ रही थी क्योंकि इसलिए क्योंकि मोबाइल की बात चलने लगी थी कि मोबाइल नहीं लेकर आए और सबके मोबाइल से मांग मांग के जो है वीडियो को रिकॉर्ड करा है तो काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी बट फिर भी जो है मैंने काम चलाया है क्योंकि आपके साथ जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपके साथ रिसेप्शन का व्लॉग शेयर करूँगी तो मैंने प्रॉमिस पूरा किया है आपके लिए मैंने जो है व्लॉग डाला है तो जैसे भी तैसे कोशिश करके मैंने जो है आपके साथ ये व्लॉग शेयर करी हूँ तो वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए गाइस ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है मुझे खुशी मिलती है और यह है मेरी जिठानी दोनों ये रेशमा भाभी हैं ये दिल्ली की हैं एंड ये शद्दो भाभी हैं जो कि ये मेरी फेवरेट भाभी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हंसमुख है इनकी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा हंसमुख है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलती है इनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे कंपनी अच्छी मिलती है तो अब सबका जो है मैं साथ में शूट कर रही थी के करके सब मैं आपके बारे में सबके बारे में बताती जाऊँगी आपको कौन है ये मेरी दोनों बहने हैं एंड उसके बाद ये मेरी पीछे अम्मी आ रही हैं एंड ये हैं शोभी बाजी और उनके हस्बैंड आशू और ये भी काफ़ी अच्छे हैं हंसमुख हैं ये लोग भी एंड ये रिलेटिव्स हैं मेरे सारे जो हैं रिश्तेदार लगते हैं सब लोग सो तो इन सब की कंपनी भी काफ़ी अच्छी लगती है सब हंसमुख हैं माशाल्लाह से सब लोग हम लोग सबका सबका एक गैंग है ग्रुप है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यू नो इन्जॉय करते हैं हम लोग जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और ये बड़ी बाजी हैं ये इनकी ही बेटी थी जो कि आशू और शोभी जो इनके हैं वो दमाद हैं आशू और ये नाहिद भाई हैं हमारे ये मेरे जेट हैं रिश्ते में मेरे जेठ लगते हैं एंड और यहां पर आ जाते हैं अब हमारे गैंग के सरदार ज़िब्रान, ये काफी कार्टून है इनके कार्टून हरकतें देखकर आपको आपको लगी रहा होगा तो ये ये जो है हमारे गैंग के सरदार हैं काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन भी हैं और ये इनके साथ जो है कंपनी सबको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट लगती है कब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब ये जो है हम लोग की कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यू नो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सो तो ये इनकी वाइफ हैं ये ग्रीन कलर के सूट में हैं तो इनका नाम है शहनाज और ये इनकी बहन है रेड कलर की ड्रेस में शो भी नाम है इनका तो सबके साथ मैंने जो है वीडियो इसलिए शूट कर ली ताकि ये जो मोमेंट है वो इस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए और जब भी हम लोग जो है इस वीडियो को देखें तो यू नो सब चीज़ सब कुछ फिर सब कुछ रिवाइंड हो जाए तो अच्छा लगता है सो so बार बार जो है अच्छा लगता है देखना वीडियो को जितने भी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं तो सबके साथ जो है मैंने वीडियो को कोशिश की है रिकॉर्ड करूँगी ये मेरे बहनों ही हैं बाहर के जो हस्बैंड हैं सो so, जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ा शर्मा रहे हैं बट और सब और ये येलो स्वेटर में, में मेरे भाई थे ये भाभी हैं यानी बाहर हैं ये सब मतलब सब लोग आए हुए थे जितने भी मेरी तरफ के मैके की तरफ थे ये भाई हैं मेरे बड़े वाले तो जितने भी रिश्तेदार थे मेरे मैके की तरफ के वो सब आए थे और सब ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा मज़ा आया था रिसेप्शन में आ, सब बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था बारह बारह साढ़े बारह बज गया था क्योंकि नाइट का फंक्शन था तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था बट इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया सब ने सो यहाँ पर आप ये हॉल देख सकते हैं ये ब्राइट का हॉल है जहाँ पर ब्राइट बैठी होती हैं एंड इस टाइप से ये ओवरऑल लुक था हॉल का एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेशन थी हॉल की मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड सब आ जाती है यहाँ पर छोटी कंपनी की बारी सो यहाँ पर जो है ये मेरी नंदे हैं जितनी भी रिलेटिव मेरे रिलेशन में जो भी नंदे मेरी लगती हैं वो सब मेरी नंदे बैठी हैं यहाँ पे ये ये पिंक कलर के गांव में ये मेरी सगी नंद है इनका नाम सना है एंड जो है सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था बहुत ज़्यादा मज़ा आया था रिसेप्शन में सब लोग एक साथ बैठ कर गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे खाना वाना खाने के बाद और उसके बाद यहाँ पर अब चल रहा है फ़ोटोशूट यहाँ पर ये मेरे पापा बैठे हैं मेरी अम्मी और मेरे पापा बैठे हैं दुल्हन की मुँह दिखाई चल रही है तो मुँह दिखाई करने सब लोग जो है यहाँ पर बैठ कर फोटोशूट करवा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि मेरे पापा भी आए थे एंड उसके बाद जो है अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से ये है सानिया और सबसे फ्रेंड में ऑरेंज कलर के सूट पे और बीच में, में मेरी छोटी वाली बहन की नंद है जिनका जो है मैंने मंगनी व्लॉग भी डाला है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मिल जाएगी तो चेक कर लीजिएगा इनकी मंगनी का व्लॉग मैंने शेयर किया है आपके साथ एंड यहाँ पर हम दोनों का फोटोशूट चल रहा था दे, देवरानी जेठानी का फ़ोटोशूट चल रहा था तो आप देख सकते हैं ये है देवरानी जेठानी यहाँ पर मैं हूँ जेठानी और ये मेरी देवरानी आई हैं सो देखते हैं इनकी कंपनी कैसी लगती है और कैसा रहता है इनका मिजाज कैसा है अभी कुछ भी पता नहीं है तो देखते हैं इनके साथ कैसा लगता है बातचीत में तो माशाला से ये बहुत अच्छी है मुझे मेरी फ़ोन पर बात होती रहती है तो काफ़ी ज़्यादा आदत की मुझे अच्छी लगती है और बाकी सारी जो कि बात है वो रहने से पता चलता है कि कैसा इंसान है अगला ताकि उसका आदत मिजाज का पता चल सकता है उसके बाद यहाँ पे आ जाती है मेरी ममिया सास की बारी ये मेरी सास हैं ममिया सास और ये दोनों उनकी मतलब बेटी है और उसके बाद यहाँ पर ये जो है मेरे वो लगते हैं देवर सो सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा लास्ट में एंजॉय किया क्योंकि जब मेहमान सब चले गए थे तो सिर्फ घर घर के जो भी सगे सगे रिश्तेदार थे तो सब वो रह गए थे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा कर रहे थे लास्ट में

सो लास्ट में यहाँ पे मेरी नमरा मिल गई थी नमरा तो बिल्कुल भी बात नहीं करती हैं फंक्शन में और इनके साथ मैंने थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक किए हैं उसके बाद यहाँ पे नंद और मेरे देवर हैं तो यहाँ इनके साथ भी मैंने फ़ोटो क्लिक करे हैं और ये मेरी मम्मिया साथ हैं उनके साथ भी फ़ोटो क्लिक किए हैं तो ये सारे व्लॉग आपको कैसा लगा है? तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा इंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए ख्याल रखे अपना बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़